आज की मेरा वीडियो की टॉपिक है फायर इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर। दोस्तों आप कहीं पे भी फायर इंटरव्यू देने जा रहे हो तो आपको 7 पॉइंट बिल्कुल आपको याद रखना होता है। वो फायर के जो भी है 7 पॉइंट के अंदर ही आपको क्वेश्चन पूछेगा, उसके अलावा कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। दोस्तों ये वीडियो मैंने पार्ट 1 बनाया हूँ, इसी तरह आपको मैं पूरा सीरीज दूंगा। आपको मैं जैसे वीडियो में आगे बढ़ूंगा आपको समझ में आएगा मैं 7 पॉइंट क्यों बताया हूँ। दोस्तों मैंने लिखा हूँ, सबसे पहला पॉइंट है बेसिक फायर क्वेश्चन एंड आंसर। दोस्तों आपको फायर इंटरव्यू में जाओगे बेसिक क्वेश्चन पूछेगा, जैसे कि फायर क्या है, फायर कैसे लगता है, फायर ट्राइंगल क्या होता है, ये सब आपको पूछेगा। दूसरा क्या है, फायर एक्सटिंग्विशर क्वेश्चन एंड आंसर। दोस्तों दूसरे पॉइंट ये है, आपको इंटरव्यू के लिए जाओगे तो आपको एक्सटिंग्विशर के रिलेटेड क्वेश्चन आंसर पूछेगा। वो आप पूरा जितना भी एक्सटिंग्विशर के रिलेटेड आंसर क्वेश्चन आपको आता है तो आपको उस टॉपिक के ऊपर, एक्सटिंग्विशर के टॉपिक के ऊपर आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट तीसरा क्या है, फायर अलार्म सिस्टम। जैसे आपको फायर अलार्म सिस्टम पूरा आपको पता है, जैसे स्मोक डिटेक्टर, हीट डिटेक्टर, ठीक है, पीए सिस्टम और क्या होता है, मॉड्यूल सिस्टम क्या होता है, ठीक है। आप इस तरह से फायर अलार्म सिस्टम पूरा पॉइंट टू पॉइंट हर पॉइंट आपको पूरा पता है तो आपको फायर अलार्म सिस्टम का कोई भी क्वेश्चन आएगा आप आसानी से उसका आंसर दे पाओगे। इसी तरह फायर स्प्रिंकलर सिस्टम। दोस्तों कहीं पे भी इंटरव्यू में जाओगे तो आपको फायर के रिलेटेड, स्प्रिंकलर के रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। आप उस टॉपिक के ऊपर सारे क्वेश्चन आंसर आप क्लियर कर दोगे तो आपको बिल्कुल, आपको कोई फायर स्प्रिंकलर पॉइंट में आपको हरा नहीं पाएगा। किसी भी इंटरव्यू के पास दम नहीं है कि आपको आपको मतलब इंटरव्यू में पास ना कराए। नेक्स्ट क्या है, 5 नंबर, फायर हाइडन सिस्टम। फायर हाइडन सिस्टम के रिलेटेड भी, फायर हाइडन क्या होता है, FSC क्या होता है, ये सब आपको फायर हाइडन रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है आपको पता होगा तो आपको बिल्कुल आसानी से आप इंटरव्यू दे पाओगे। जैसे क्या है, फायर पंप रूम। दोस्तों इंटरव्यू में कहीं भी इंटरव्यू देने जाओगे तो फायर पंप रूम के बारे में पूछेगा, जैसे कि क्या है फायर पंप रूम, क्या होता है पंप रूम में, कौन सा पंप होता है, ठीक है, स्प्रिंकलर पंप का क्या काम है, सब आंसर आपको पूछेगा। ये पूरा आपने A to Z आपको पता हो गया तो कोई भी इंटरव्यूअर आपको फेल नहीं करा सकते। लास्ट क्या लिखा है, फायर इक्विपमेंट रिलेटेड ड्रिल्स, ठीक है, जैसे कि फायर इक्विपमेंट, जैसे होस पाइप के रिलेटेड, फायर हाइडिंग क्या होता है, फायर का क्या होता है, नोट्स क्या होता है, ठीक है, फायर का ड्रिल कौन सा ड्रिल होता है, होस ड्रिल कैसे किया जाता है, ये सब भी आपको आंसर पूछ सकता है। ये 7 पॉइंट आपको पूरा A to Z आपने स्टडी कर लिया तो आप उसके बाद इंटरव्यू देने जाओगे तो कोई आपको फेल नहीं करा सकता है। तो आज इस वीडियो के पार्ट 1 के जरिए आपको मैं सिर्फ पहला पॉइंट आपको इंटरव्यू में क्या क्या पूछेगा मैं बताऊंगा, जैसे कि बेसिक फायर क्वेश्चन एंड आंसर। नेक्स्ट पार्ट 2 में आएगा फायर एक्सटिंग्विशर के रिलेटेड फायर इंटरव्यू क्वेश्चन। ऐसे करके मैंने आपको 7 वीडियो देंगे जिससे पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे करके बनाएंगे। दोस्तों आज पहला पॉइंट आपको लिखता हूं क्या है, बेसिक फायर क्वेश्चन एंड आंसर। जैसे बेसिक फायर क्वेश्चन आंसर आप इंटरव्यू देने जाओगे तो सबसे पहले पूछेगा आपको व्हाट इज फायर, मतलब आग क्या है, ठीक है। आप इंग्लिश में आता है तो इंग्लिश में दे सकते हो, हिंदी में आता है तो हिंदी में दे सकते हो। फायर इज एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन बिटवीन फ्यूल ऑक्सीजन इन प्रेजेंट ऑफ सफिशियंट हीट। आग ऐसा एक रासायनिक प्रक्रिया है जो 3 तत्वों मिलके बनता है, जैसे ऑक्सीजन, फ्यूल एंड हीट। ये हो गया आग की डेफिनेशन, व्हाट इज फायर की डेफिनेशन। नेक्स्ट ये भी पूछ सकता है, व्हाट आर द एलिमेंट ऑफ फायर, फायर का एलिमेंट क्या है, फायर लगने का जो मेन जो तत्व है वो क्या है। तो सबसे पहले आग लगने के लिए आपको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए जो वातावरण में है। दूसरा क्या है, एक निर्दिष्ट परिमाण हीट चाहिए। तीसरा क्या चाहिए, एक फ्यूल चाहिए। जैसे आपको मैं बता रहा हूं, मेरे पास एक कलम है या कागज है समझ लो, इसमें क्या होता है, ये कलम एक फ्यूल हो गया है और जो वातावरण में जो ऑक्सीजन है, नॉर्मल ऑक्सीजन है, वो हो गया। और यहाँ पे क्या होता है, एक ताप चाहिए, निर्दिष्ट परिमाण ताप, तो ये पेन या ये कागज में आग लग जाएगा। तो 3 एलिमेंट क्या क्या होते हैं, फ्यूल, ऑक्सीजन और हीट। और तीसरे में पूछ सकता है, व्हाट इज फायर ट्राइंगल। दोस्तों ये इंटरव्यू में अक्सर पूछा जाता है, फायर ट्राइंगल क्या होता है। तो फायर ट्राइंगल ज्यादा कुछ नहीं है, फायर ट्राइंगल इसको पूछा जा रहा है तो ये है, ठीक है, फायर ट्राइंगल। जैसे ये हो गया ऑक्सीजन, मैंने पहले बताया था, ठीक है, ये हो गया फ्यूल और ये हो गया हीट। तो जैसे कहीं पे आग लग गया, किसी के घर में आग लग गया,
तो वहां पे क्या है, लक्कर में किसी भी एल्यूमिनियम किसी में भी आग लग गया, तो फायर फाइटर लोग क्या करता है वहां पे आग बुझाता है। तो आग बुझाने के बाद वहां पे हल्की हल्की धुआं और हीट रह जाता है, ठीक है। उसके बाद वो काफी देर बाद, 1.5 घंटे, 2 घंटे, 5 घंटे बाद जो हीट है, तो वो हीट के पास कोई भी आधा जला हुआ फ्यूल रहता है, वो धीरे 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 वो टेम्परेचर बढ़ा बढ़ा के एक टाइम 100 डिग्री से ऊपर ले जाता है, फिर दोबारा वहां पे आग उत्पन्न हो जाता है। उसी को फायर टेक्टाहाइड्रिन कहा जाता है, जिसको फायर की भाषा में फायर चेन रिएक्शन भी कहा जाता है। दोस्तों ये बिल्कुल आपको क्लियर हो गया। अभी नेक्स्ट 5वें नंबर में पूछेगा, व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ फायर। हीट, ऑक्सीजन और कि फ्यूल का एक रासायनिक प्रक्रिया जो मिलते हैं, जो रासायनिक प्रक्रिया बनता है एक निर्दिष्ट परिमाण हीट लेके, तब आग बनता है, उसी को फायर ट्रायंगल कहा जाता है। तीन चीजों को ट्रायंगल कहा जाता है। अभी नेक्स्ट 6वें नंबर में पूछ सकता है, व्हाट इज फायर, ठीक है, टेक्टाहाइड्रन। फायर टेक्टाहाइड्रन क्या होता है दोस्तों, ये भी आपको अक्सर पूछा जाता है। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, फायर टेक्टाहाइड्रन का मतलब होता है, जिसे आपको मैं सबसे पहले बताया हूँ, ये क्या हो गया, ये हो गया ट्रायंगल, ये हो गया ऑक्सीजन, ये फ्यूल, ये हीट, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, एक सेन रिएक्शन करके आएगा, सेन रिएक्शन, ठीक है। सेन रिएक्शन का मतलब ये होता है, जो आपके क्या होता है, मैं एक एग्जांपल देके आपको समझाऊंगा और समझ जाओगे। जैसे गांव में कहीं पे भी आप जब क्या होता है आग जला देते हो, तो आग जलाने के बाद लक्कड़ से आग जलाया या कोयला से आग जला दिया, उसके बाद क्या होता है, कुछ देर बाद आग बुझ जाता है, उसके बाद वहां पे क्या होता है टेम्परेचर रह जाता है, ठीक है, उसकी का जो कोयला है वो रह जाता है, फिर वो उसके ऊपर लक्कर दिया जाता है, धीरे धीरे धुआं करके 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 कम से कम मतलब 10-5 मिनट के बाद अपने आप आग लग जाते हैं उस लक्कर में। तो उसी हिसाब से टेक्टाहाइड्रन क्या होता है, तो फायर ट्रायंगल जो होता है, ऑक्सीजन, फ्यूल और हीट, उसका जो रासायनिक प्रक्रिया जो बनाता है, ठीक है, तो उसी को कहता है फायर टेक्टाहाइड्रन। अभी तो आपको मैथ नंबर में क्लासिफिकेशन ऑफ फायर क्या है, आपको इंटरव्यू में इस तरफ से पूछ सकते हैं, आग कितने प्रकार की होता है ये भी पूछ सकते हैं, आग को वर्गीकरण किस हिसाब से कितने टाइप से किया गया है ये भी पूछ सकता है। अलग अलग इंटरव्यू आपको अलग अलग टाइप की पूछ सकते हैं। दोस्तों आपको एक ही उसका आंसर ये ही देना है, आग कितने टाइप की होता है, आग 5 टाइप की होता है, ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, डी क्लास और जो एफ क्लास है, एस पर इंडियन स्टैंडर्ड। तो आपको यही बताना है। दोस्तों आपको और भी अच्छे से बताना है तो आप एस पर इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड है वो भी बता सकते हो, लेकिन आपको इंडिया में आप हो तो, इंडिया का हो तो आपको कहीं पे भी इंटरव्यू में जाओगे तो यही बताना है, 5 प्रकार की आग होता है, जैसे कि ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, डी क्लास और एफ क्लास। ए क्लास साधारण आग आपको मैं सबको पता होता है, जैसे गट्टा, कागज, लकड़ा, कहीं पे भी सूखी पट्टी में, कहीं पे कपड़ा में जो आग लग जाता है, कहीं पे जो कागज में आग लग जाते हैं, वो क्या होता है ए क्लास में अंतर्भुक्त किया जाता है, कैटेगरी में भाग किया जाता है। बी क्लास में जितना भी लिक्विड फायर है, जैसे डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, ठीक है, जितना भी लिक्विड फायर है वो बी क्लास में अंतर्भुक्त किया जाता है, यानी बी क्लास में है। सी क्लास में क्या होता है, जितना भी गैसेस फायर, जैसे एलपीजी, इथेन, मीथेन, जितना भी गैस फायर होता है उसको सी क्लास में, और क्या होता है डी क्लास में, क्या होता है डी क्लास में जितना भी मेटल फायर, जैसे कि आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, टीन, जितना भी आपको धातु के बनाए हुए मेटेरियल होता है, जितना भी क्या होता है मेटेरियल होता है, उसके अंदर जो भी आग लग जाता है उसको डी क्लास में, मतलब उस कैटेगरी में, डी क्लास कैटेगरी में क्लासिफिकेशन किया गया है। अभी नेक्स्ट क्या बताया मैंने, एफ क्लास फायर। एफ क्लास फायर क्या होता है, वो किचन फायर कहा जाता है, जैसे किचन में आजकल बहुत बड़े बड़े रेस्टोरेंट, होटल, क्या होता है सोसाइटी है, वहां पे क्या होता है जब भी कभी आग लगते हैं, आजकल ज्यादातर किचन से ही आग लग जाता है, इसको तो क्या किया है कि एक अलग कैटेगरी में बांटा गया है, एफ क्लास फायर जो होता है किचन फायर, जैसे किचन जितना भी मटेरियल है किचन में यूज किया, जैसे किचन में हम क्या होता है सीएनजी, एलपीजी हम जो यूज करते हैं उसकी वजह से आग लग सकता है, किचन में जितना हम लोगों ने ऑयल यूज करते हैं उसकी वजह से आग लग सकता है, तो वो जो कैटेगरी है उसको एफ क्लास फायर में अंतर्भुक्त किया गया है, या उसको डिवाइडेड या क्लासिफिकेशन
किया गया है। दोस्तों अभी नेक्स्ट सवाल ए और एक पूछा जाता है, ये मैंने लिखा हूँ 6 नंबर पॉइंट में, फायर एक्सटिंग्विशर मेथड यानी आग बुझाने की क्या मेथड है। आपको कहीं पे भी इंटरव्यू में पूछ सकते हो, इंग्लिश में भी पूछ सकता है, फायर एक्सटिंग्विशिंग मेथड क्या होता है, आग हम किस हिसाब से बुझा सकते हैं, आग बुझाने की मेथड क्या है। तो आपको बताना है फायर ट्राइंगल को सबसे पहले आपको याद कर लेना है। जैसे ये फायर ट्राइंगल, यहाँ पे हीट, ऑक्सीजन और फ्यूल, यहाँ पे तीन मेथड होता है। सबसे पहला मेथड है कूलिंग मेथड, दूसरा क्या होता है स्मोल्डरिंग मेथड, तीसरा है स्टर्वेशन मेथड। कूलिंग मेथड में हम क्या करेंगे, हीट को रिमूव करेंगे, मतलब ये इसको हटा देंगे, आग में से हीट को हटा देंगे, दो चीज रह जाएगा फ्यूल और ऑक्सीजन, आग बुझ जाएगा। और क्या होता है स्मोल्डरिंग मेथड में, क्या होता है ऑक्सीजन को हम रिमूव करेंगे, फ्यूल और हीट रह जाएगा, उसके बाद दो चीजों से आग कभी नहीं लगता है, तो वो क्या आग बुझ जाएगा। तीसरा चीज, हम फ्यूल को, जो स्टर्वेशन मेथड है, हम फ्यूल को रिमूव कर देंगे जिससे कि आग कभी नहीं लगेगा, उसमें हीट और ऑक्सीजन रह जाएगा, फ्यूल नहीं रहेगा तो आग बुझ जाएगा। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ ये चीज, और एक छोटा सा चीज मैं बता देता हूँ। जैसे स्टर्वेशन मेथड में क्या होता है, आपकी एक पुस्तक में आग लग गया, अचानक आग लग गया, तो आपको क्या करना है, स्टर्वेशन मेथड यूज करने के लिए आपको आसपास जितना भी पुस्तकें है या किताबें है उसको हटा देना है। तो क्या होता है, उसको जितना जिसमें आग लगा है वही जल जाएगा, उसके बाद उसको खाना नहीं मिलेगा, इसका मतलब फ्यूल नहीं मिलेगा, वो क्या है कि वही बुझ जाएगा। तो आपको क्या है कि एक पुस्तक में आग लगा और दूसरा पुस्तक पास में है, फिर दूसरा पुस्तक में लग जाएगा, इसे आग बढ़ जाता है, तो उसको फ्यूल नहीं दिया जाता है, तो आग क्या होता है वो मर जाता है, इसी को कहता है स्टर्वेशन मेथड। दोस्तों मैं आपको और एक चीज बता देता हूँ, दोस्तों मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लाऊंगा फायर एक्सटिंग्विशर क्वेश्चन एंड आंसर। फायर एक्सटिंग्विशर के रिलेटेड इंटरव्यू में जितना भी क्वेश्चन पूछा जाता है मैं सारे आपको, मतलब इस दूसरा पार्ट में आपको बताने की कोशिश करूंगा, जिससे आपको क्या इंटरव्यू पास हो पाओगे। नेक्स्ट हम लाएंगे फायर थर्ड नंबर पार्ट में फायर अलार्म सिस्टम। फायर अलार्म सिस्टम में जो भी इंटरव्यू में पूछा जाता है सारे आपको मैं उस वीडियो के जरिए आपको मैं सिखाऊंगा पूरा एक एक करके। तो आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन घंटी बजा दीजिए, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं या अपलोड करूं यूट्यूब में आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। तब तक के लिए नमस्कार।